पापा जी मेरी भांजी मटिली में है, उनको पेट में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ, नाड़ियाँ फट गई और पेट की जो बच्चादानी थी वो भी फट गई। मैंने यहाँ से प्रार्थना कराई और यहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसके बावजूद वो मेरी भांजी बहुत अच्छी है प्रभु की कृपा से। सो देखो कितना बड़ा अटैक हुआ, इतनी बड़ी समस्या खड़ी होगी कि पेट की नाड़ियां फट गई, बच्चेदानी फट गई, लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रार्थना करवाई आप ठीक है, अब ठीक है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। मेरी दूसरी गवाही है पापा जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से और समस्त मसीह भाइयों की कृपा की प्रार्थना से, मेरे जो लकवे की शिकायत हाथ और पैर में होगी थी अब मैं ठीक हूँ उससे और मेरा ट्रीटमेंट नॉर्मल चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनके एक हाथ और एक टांग पे, ये इस साइड वाली पे, दाहिने हाथ वाली पे, दाहिना हाथ और इनकी टांग पर लकवे की शिकायत होगी थी और ये बेचारे बच्चे को दौड़कर आए चर्च में आए और उन्होंने आकर बताया कि ये इनका हाथ और पैर जो है वो लकवे की शिकायत होगी है। तो जैसे प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह की दया हुई, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आपको दिक्कत तो नहीं है पैर पूर में किसी तरह? ओके, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से चंगाई दी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मेरी तीसरी गवाही यह है, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, प्रभु यीशु मसीह जी पापा के साथ थे और मोड़े पे कबूतर बैठा हुआ था और पापा जी ने समस्त जनता को आशीर्वाद दिया, प्रदान किया, जीवन में आप सफल होंगे। आज दर्शन देखा, आज ही देखा है, आज दर्शन इन्होंने देखा और विश्व मसीह को देखा और मेरे कंधे पे कबूतर जाने के एक चिन्ह है पवित्र आत्मा का। मसीह की पास्टर जी की जयमेश्वरी की। अब मेरे को एक महीने एक हफ्ता हुआ है, पिछले हफ्ते मैं संडे को यहाँ नहीं आ सकी थी, दो दिन मैं अस्पताल में रही और डॉक्टर ने कहा तेरे हार्ट की बीमारी है, तो मेरे बच्चे ने कहा कि तू प्रे करवा मम्मी तू ठीक हो जाएगी, तो ये कहने लगे डॉक्टर ने कहा भी यहाँ पर इलाज नहीं है, आप बीकानेर रेफर कर देंगे आपको। फिर मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे को घर जाने दे और पास्टर जी से प्रार्थना करवाओ। यहाँ से भी प्रार्थना करवाई और मेरे बच्चे ने भी प्रार्थना की तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं नहाने को लिए गई तो मेरे को पकड़ कर नहाने के लिए जा रहे, ऊपर हमारे बाथरूम टॉयलेट है तो नहाने गई, वहाँ से मुंह के बल गिरी तो मेरे को पूरी रात खून बंद नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने जोर लगा लिया खून फिर भी बंद नहीं हुआ। फिर मैंने प्रार्थना कराई और मेरे बच्चे ने भी मेरी प्रार्थना की, मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ, मेरा खून बंद हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही ये है, उसने कहा मम्मी तेरे से चला ही नहीं जा रहा है, हम पकड़ के टॉयलेट और बाथरूम करवा रहे हैं, तू आज चर्च मत जा। मैंने कहा मैं चर्च जाऊंगी, मैं परमेश्वर को देखूंगी, परमेश्वर मुझे छुएंगे तो मुझे चंगा करेंगे। तो मैंने क्या देखा, पास्टर जी के पास जो पवित्र आत्मा छू रही थी और पास्टर जी के पास जो पंछी से उठ रहे थे दौड़े दौड़े, वहाँ से जाकर मेरे पीछे मैं गिरने लगी, तो मुझे सांभ कर कहा कि बेटी तू विश्वास राई के हिसाब ही करेगी तो मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। पिता परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे आजाद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। डॉक्टर ने कहा था कि हार्ट की प्रॉब्लम है और वो बीकानेर रेफर कर रहे थे, लेकिन प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह जी ने इतना बड़ा काम किया कि रिपोर्ट नॉर्मल आई ना। जो डॉक्टर बीकानेर के लिए रेफर कर रहा था वो रिपोर्ट नॉर्मल आई। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सारिआं नूं जय मसीह दी। मेरा बच्चा जिथे नौकरी चाहता सी, हालेलुया, मेरे बच्चे नूं नौकरी मिल गई है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, मेरे पापा जी का धन्यवाद हो, सारिआं नूं जय मसीह दी। हालेलुया, हालेलुया। सुन, इनके बेटे को परमेश्वर मसीह जी ने नौकरी दी है, इसलिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। सभी को जय मसीह की, बिशप जी को जय मसीह की। मेरा नाम हरिओम सिंह है, मैं मुरादाबाद यूपी से आया हूं और मैं एक साल से इस संगति से ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूं, कंटिन्यू प्रेयर देखता हूं और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत काम किए हैं।
यहाँ से जुड़ने से पहले मेरी वाइफ बहुत बीमार रहती थी, उसकी टांग की हड्डी बाहर निकल गई थी, लेकिन प्रार्थना देखते देखते सुनते सुनते मेरी वाइफ की वो टांग सही हुई, कोई दवाई लेनी जरूरत नहीं पड़ी, कोई किसी प्रकार की डॉक्टर दिखाने जरूरत नहीं पड़ी। हड्डी क्या हुआ था? हड्डी बाहर निकल गई थी, हाँ घोटे में से ही थोड़ी सी बाहर निकल गई थी। अच्छा। अपने आप ही दुष्ट आत्मा के कारण बहुत दर्द रहता था, उसमें बहुत दवाई खिलाई लेकिन आराम नहीं था बिल्कुल भी। अब हड्डी सही है? हड्डी सही है, बिल्कुल ठीक है, टांग में दर्द भी नहीं है। पर विश्व का धन्यवाद करते हैं। दूसरी गवाही है, मेरी बेटी को के ऊपर जादू टोना किया हुआ था उसकी पढ़ाई को रोकने के लिए, तो उसको कोई भी चीज़ खाती थी उसको पित्ती हो जाती थी पूरे शरीर में। पित्ती की दवाई देते थे तो लीवर में दर्द होता था, लीवर की दवाई देते थे तो पूरी शरीर में पित्ती हो जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने धीरे धीरे उसको भी चंगाई पूर्ण रूप से दे दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो कितना समय तक ये रही ऐसी बीमारी? ये मेरी बेटी की 4-5 साल से थी। 4-5 साल से थी? हाँ जी। तो अगर उसकी दवाई लेते थे तो लीवर में दर्द होता था। ओके। और लीवर की दवाई देते थे तो एलर्जी के पूरे शरीर में पित्ती हो जाती थी, बहुत पूरे शरीर में बहुत आग सी खुजली सी होती थी उसको, तो परमेश्वर ने इससे छुटकारा दिया। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। पहले घर के अंदर बीमारियां रहती थी, अब वो बीमारियां भी लगभग पूर्ण रूप से खत्म हो गई हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पहले घर के अंदर जो मेरी इनकम थी वो पूरी नहीं पड़ती थी कभी भी, पूरे मतलब महीना हाथ ही नहीं आता था, लेकिन अब परमेश्वर का धन्यवाद है अगर बचता नहीं है तो कम भी नहीं पड़ता है। कमाई घर पे नहीं ठहरती थी पहले? पहले घर में नहीं ठहरती थी लेकिन अब ठहरनी शुरू हो गई है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हालेलुया। और इस संगति से जुड़ने से पहले हमें कभी, मुझे और मेरी वाइफ को कभी पवित्र आत्मा ने नहीं छुआ, लेकिन जब से हम इस संगति से जुड़े हैं हमें पवित्र आत्मा ने छूना शुरू कर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो जब से ये ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े हैं अपने साथ, तो पवित्र आत्मा इन्हें छूने इन्हें छू रहे हैं, पवित्र आत्मा इन्हें इनके ऊपर जुम्बस करते हैं, पवित्र आत्मा इन्हें छुआ है, उस सब के लिए धन्यवाद करते हैं। एक गवाही और है कि कोई मुझसे कहता है दुआ करो तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ तो उसको परमेश्वर सुनता है, उन्हें चंगाई देता है। और कई लोगों को मैंने यहाँ का चर्च का पता ही बताया, यहाँ आए भी थी पहले पंजाब जलालाबाद से और नैनीताल से, यहाँ पे आए भी थे एक बार पिछले साल, और भी कई लोग जिनको मैंने यहाँ का उन्होंने भी आशीष पाई है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। ये यूपी से आए हैं, मुरादाबाद, मुरादाबाद यूपी, मुरादाबाद से यूपी से आए हैं, और इनकी गवाही को आपने सुना, बड़ी बात, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया, और जो इनकी पत्नी की हड्डी थोड़ी बढ़ गई थी घुटने से वो ऑनलाइन प्रार्थना से ठीक हुई, इनकी बेटी जो बीमार रहती थी वो भी ऑनलाइन प्रार्थना से ठीक हुई, जब ऑनलाइन ये प्रार्थना सुनते थे, और घर में कमाई नहीं ठहरती थी, अब घर में कमाई ठहरनी शुरू हो गई है, इसलिए पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। एक बार विश्व जी आपसे वीडियो कॉल के द्वारा दुआ कराई थी, तो उस समय जो मेरी वाइफ के अंदर मेरी दुष्ट आत्मा थी करीबन 40 साल पुरानी, वो वीडियो कॉल के द्वारा वो निकल गई थी, उसी समय मैंने गवाही भी भेजी थी अपनी, वो मैं ही हूँ। सबको जय मसीह। सर इनकी पत्नी को 40 सालों से दुष्ट आत्मा थी और वीडियो कॉल से मुझसे इन्होंने प्रार्थना करवाई थी, गवाही भी भेजी होगी मुझे याद नहीं, खैर सो वीडियो कॉल पे जब प्रार्थना की तो इनकी पत्नी को प्रभु यीशु मसीह जी ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। अद्भुत कार्य करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह जी।